जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है और पिंक सिटी के नाम से भी मशहूर है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस रूटीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं जयपुर में। मेरे बैक साइड में आप आमेर फोर्ट देख के समझ ही गए होंगे जयपुर के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। जयपुर में बहुत सारे फोर्ट हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं और यहाँ पर कई सारे आपको मंदिर भी मिलेंगे और पूरा ये कल्चरल सिटी आपको देखने को मिलेगा। तो कैसे यहाँ पर आ सकते हैं, क्या टूर प्लान हो सकता है, क्या बजट हो सकता है और साथ ही साथ क्या यूजफुल टिप्स हो सकती है जिनको जानकर आप यहाँ पर अपना टूर प्लान बना सकते हैं, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ घूमिए जयपुर। जयपुर में हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं और ये इंडियन ही नहीं फॉरेन टूरिस्ट के बीच भी काफी पॉपुलर है। चाहे यहाँ के फोर्ट हो या फिर यहाँ के फूड, चाहे यहाँ के टेंपल हो या फिर यहाँ के मार्केट्स, हर कोई जयपुर की तरफ बस खींचा चला आता है। जयपुर घूमने से पहले आपको बता दूं कि जयपुर पहुंचा कैसे जाए। जयपुर में रेलवे स्टेशन है जहां देश भर के छोटे बड़े सिटीज से डायरेक्ट ट्रेन्स आती हैं। साथ ही यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। इसके अलावा जयपुर में आसपास के कई शहरों से डायरेक्ट बसेस भी आती हैं और यहाँ के बस स्टैंड का नाम सिंधी कैंप है जो कि रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। जयपुर में घूमने की बहुत सारी प्लेसेस हैं, इसलिए यहां घूमने के लिए स्कूटी हायर करना सबसे सस्ता और अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इससे आप ट्रैफिक से भी बचते हैं। यहां स्कूटी मुझे केवल 1100 रुपए में पूरे 7 दिन के लिए मिल गई थी जो कि मैंने ऑनलाइन बुक की थी और जिसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। पहले दिन मैं 8 बजे ही यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गया, लेकिन जयपुर में कुछ फेमस फूड शॉप्स भी हैं और ब्रेकफास्ट के लिए सबसे पहले मैं यहाँ के रावत मिष्ठान भंडार गया जहाँ की प्याज कचौड़ी काफ़ी मशहूर है। अभी मैं आया हूँ रावत मिष्ठान भंडार में जो कि सिंधी कैंप में पड़ता है और मैंने यहाँ पे जो कि फेमस है प्याज कचौड़ी उसे लिया है। इसकी प्राइस है 40 रुपीज़ और जनरली बाहर आप अगर ये लेंगे यहाँ पे राजस्थान में तो 20 से 30 रुपए में मिलती है, लेकिन यहाँ पे 40 रुपीज़ की है क्योंकि ये भी काफ़ी फेमस है यहाँ पर और अमेजिंग है। गर्मा गर्म आपको मिलेगी, सुबह से तो काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर इसके लिए, तो इसको जरूर ट्राई करें, आपको पसंद भी आएगी, मुझे तो पसंद आई। प्याज कचौरी में केवल प्याज ही नहीं होता है, इसमें आलू का मसाला भी भरा जाता है। जयपुर में सबसे पहले मैं पिंक सिटी के मशहूर हवा महल में गया जो बाहर से देखने में तो सुंदर है ही साथ ही अंदर से भी काफी प्यारा लगता है। तो ये है हवा महल, आप देख रहे होंगे और मेन पिंक सिटी एरिया में ये पड़ता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितना रश है, मतलब गाड़ियाँ काफ़ी आती जाती यहाँ पे रहती हैं क्योंकि यहीं पे मेन मार्केट वगैरह है। पिंक सिटी में जब आते हैं तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। इसका रास्ता भी है, हवा महल जाने का एक रास्ता है, मैंने देखा नहीं अभी अंदर जाके, मैं आपको दिखाता हूँ। और लोग कहते हैं कि मार्केट है बट मैं जाके देखता हूँ क्या है। और ये तो आप देख ही रहे हैं, यहीं पर आके आप फोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। हवा महल का निर्माण जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। हवा महल में टोटल 5 फ्लोर हैं और हर फ्लोर की अपनी कहानी है।
ये है हवा महल का इंटरनल पार्ट और यहाँ पे आप देख रहे होंगे बीच में फाउंटेन है, आंगन बड़ा सा है और सामने ये हवा महल दिख रहा है और ऊपर तक आप वहाँ तक जा सकते हैं। पिछले बार जब मैं आया था यहाँ पर तो मैं केवल सामने से देख के चला गया था, मुझे नहीं मालूम था कि हवा महल में यहाँ पे भी आया जा सकता है और इस बार मैं यहाँ पर आया हूँ और ये देख पा रहा हूँ और ऊपर तक आप जा सकते हैं, आपको मज़ा आएगा यहाँ पर आकर। हवा महल की एंट्री टिकट 50 रुपये है। हवा महल सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक ओपन रहता है। हवा महल के लिए आप मेट्रो से भी आ सकते हैं और बड़ी चौपड़ मेट्रो यहां का नियर बाई मेट्रो स्टेशन है। हवा महल में आप देखेंगे ऐसी छोटी छोटी खिड़कियां जिसके झरोखों से रानी अपने राजाओं को देखती थी और ये आप देखेंगे छोटी सी कितनी प्यारी सी क्यूट सी खिड़की आप इसको कह सकते हैं और ये आप देख रहे होंगे यहाँ से बाहर का नजारा भी दिखता है। तो हवा महल में आएंगे तो आपको ऐसी ऐसी डिफरेंट चीजें देखने को मिलेंगी और आपको मजा भी आएगा। हवा महल को और भी करीब से देखना और जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हवा महल के बारे में एक कंप्लीट वीडियो की लिंक दे रखी है। हवा महल के ठीक सामने ही एक मशहूर कैफे है जहां से आप शानदार व्यू के साथ चाय या कॉफी की चुस्की ले सकते हैं। शुद्ध देसी रोमांस मूवी में आपने एक सीन देखा होगा जिसमें परिणीति चोपड़ा और सुशांत सिंह राजपूत कैफे में बैठे होते हैं और बातचीत करते हैं, गुलाब जामुन मंगाते हैं और चाय मंगाते हैं, वो ये प्लेस है और यहाँ से आपको हवा महल का सामने सीन दिखता रहेगा। नीचे आप ट्रैफिक देख ही रहे होंगे, गाड़ियाँ आती जाती आपको काफ़ी दिख रही होंगी और यहाँ पर जो मैंने मंगाया है ये कॉफ़ी मंगाई है जो कि 120 रुपये की है। अगर मैकडी में आप जाते हैं तो आपको इतने ही रुपए में बर्गर भी मिलता है कॉफ़ी के साथ और कप में मिलता है और अच्छे से मिलता है और साथ ही वेज काठी रोल मंगाया है जो कि 140 रुपये का है। तो कॉस्टली तो है यहाँ पर, बट अगर आप कपल हैं तो यहाँ पे आकर इसको एंजॉय कर सकते हैं और आपको अच्छा लगेगा, चाहे आप दिन में आए चाहे इवनिंग में आए, आपको यहाँ पर आके अच्छा लगेगा और थोड़ा टाइम यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ से मैं सीधे जयपुर की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस आमेर फोर्ट के लिए निकला और टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों से होते हुए यहाँ तक पहुँचा। जयपुर की मोस्ट पॉपुलर प्लेस आमेर फोर्ट में मैं आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं कितना बड़ा सा ये फोर्ट है और जल्दी मैं इसके अंदर जाके आपको दिखाऊंगा कैसा है ये फोर्ट और बिल्कुल रॉयल लुक आ रहा है यहाँ पे। ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इतना पानी वगैरह है, उसके बाद फोर्ट है, काफ़ी ऊंचाई पे है, वहाँ तक जाना होता है, आगे से रास्ता है। तो मैं अंदर आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कैसा है आमेर फोर्ट। 2 साल पहले मैं जब यहाँ पर आया था तो एंट्री गेट पर लंबी लाइन लगी थी लेकिन इस बार कोविड की वजह से पूरा खाली पड़ा था। आमेर फोर्ट में मैं आ चुका हूँ और ये है पीछे का दरवाज़ा। अगर आप आगे के दरवाजे से आते हैं तो आपको काफ़ी चलना पड़ेगा लेकिन अगर आप पीछे से आते हैं तो थोड़ा सा चलना पड़ेगा, गाड़ी काफ़ी ऊपर तक आ जाती है और उसके बाद आप यहाँ पर डायरेक्टली पहुँच जाएंगे, जबकि आगे से आपको काफ़ी चलना पड़ेगा। टिकट काउंटर दोनों तरफ है और दोनों तरफ से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। आमेर फोर्ट के अंदर आते ही आप महसूस करेंगे कि किसी राजा के महल में आए हैं क्योंकि ये सच में बहुत ही भव्य दिखता है। जहां बड़े बड़े दरवाजे थे और ऊंची ऊंची दीवारें और किले में पुरानी नक्काशी। यहां नहाने के लिए स्नान घर, खाना बनाने के लिए रसोई घर, रहने के लिए रूम्स, सुरंगे और भी बहुत कुछ थी जिसे देखने के साथ आप और आपके बच्चों को काफी नॉलेज भी मिलेगी। हाँ
आमेर फोर्ट पे अभी मैं बैठा हुआ हूँ एक जगह ढूंढ के, और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट अभी आए हुए हैं। ये जो आप पोर्शन अभी देखेंगे ये शीश महल का पोर्शन है, और ये काफ़ी पॉपुलर यहाँ का पोर्शन है। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको किला दिख रहा होगा, हालांकि यहाँ से आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन जब आप इसको देखेंगे यहाँ से लुक आपको बहुत ही अमेजिंग दिखेगा। और यहाँ पर घूमने में थोड़ा समय लगेगा, आप समय लेकर यहाँ पर आएँ, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि आधे एक घंटे में घूम के आप निकल जाएँ तो ऐसा नहीं है, आपको समय लगेगा यहाँ पर घूमने में। और अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो आपकी काफ़ी चीज़ें मिस हो जाएंगी, तो इसलिए अगर सारी चीज़ें कवर करनी है तो अपने पास टाइम लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पर सुरंगें हैं, तहखाने हैं, पुछोरुटे के बड़े दरवाजे हैं, किचन है, बाथरूम है, सब चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों को देखने के लिए यहाँ पर आराम से घूमें और पूरा घूम के एंजॉय करते हुए जाएँ। आमेर फोर्ट का कंस्ट्रक्शन महाराजा मान सिंह प्रथम ने 1592 में स्टार्ट करवाया था, और यहाँ की एंट्री टिकट 100 रुपये है, जबकि 7 वर्ष तक के बच्चों की एंट्री फ्री है। आमेर फोर्ट सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक ओपन रहता है। आमेर फोर्ट के बारे में और अधिक जानकारी के लिए और अच्छे से देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक दे रखी है। जयपुर में मैं अपने होटल का रूम आपको दिखाता हूँ। ये रहा मेरे होटल का रूम, जहाँ डबल बेड रूम है, टेबल है, चेयर है, कबर्ड है, एसी है, फैन है, टीवी है, मिरर है, और सामने व्यूज़ हैं जो कि अच्छे नहीं हैं, कचरे वगैरह दिख रहे हैं यहाँ से। और ये आप बाकी देखेंगे, यहाँ पे वॉशरूम है। ये है होटल स्टार पैलेस, और रेलवे स्टेशन के पास में ही पड़ता है, और मेरे हिसाब से लोकेशन वाइज बहुत अच्छा होटल है। और इसका जो मुझे फेयर देना पड़ा है एक दिन का, वो लगभग देना पड़ा है केवल 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा यहाँ पे रूम है। अब ये कोरोना की वजह से थोड़ा कम है रेट, वैसे जनरली भी आप लेंगे तो 700 से 800 की रेंज में आपको यहाँ पे रूम्स मिल जाएंगे। और इसके बाद मैं जयगढ़ फोर्ट की तरफ बढ़ा, जो कि आमेर फोर्ट से दिखता है और काफ़ी ऊंचाई पर है, लेकिन यहाँ पहुँचने के रास्ते काफ़ी अच्छे हैं। जयपुर में मेट्रो की भी सुविधा है, और यहाँ मानसरोवर से बड़ी चौपड़ एरिया तक की मेट्रो सर्विस है, जिसमें रेलवे स्टेशन, सिंधी कैंप बस स्टैंड और पिंक सिटी जैसे मेन एरिया कवर होते हैं। यहाँ की मेट्रो का मिनिमम टिकट प्राइस 6 रुपये है और मैक्सिमम टिकट प्राइस 18 रुपीज़ है। जयगढ़ फोर्ट 1726 में राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा आमेर फोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनवाया गया था। जयगढ़ फोर्ट में वर्ल्ड की पहियों पर खड़ी सबसे बड़ी तोप है, औजारों से तोप बनाने का कारखाना है। साथ ही यहाँ पर महल है, मंदिर है और म्यूजियम भी है, पर इन सब के अलावा यहाँ से पूरे जयपुर और आमेर फोर्ट का शानदार नज़ारा दिखता है। जयगढ़ फोर्ट की एंट्री टिकट एडल्ट के लिए 70 रुपये, जबकि 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए 40 रुपये है। ये फोर्ट सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ओपन रहता है। जयगढ़ फोर्ट भी घूमने में आपको 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। जयपुर की मेन टूरिस्ट प्लेसेस के लिए कंपोजिट टिकट भी मिलता है, जिसमें आपको 300 रुपये में 8 टूरिस्ट प्लेसेस की एंट्री टिकट मिल जाती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो केवल 40 रुपये में ही कंपोजिट टिकट मिल जाएगी। कंपोजिट टिकट से आप आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, हवा महल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, सिसोदिया रानी का बाग, विद्याधर का बाग और इसरलाट देख सकते हैं। स्टूडेंट्स अपने साथ अपनी स्टूडेंट आईडी जरूर रखें, क्योंकि इससे हर जगह काफी छूट मिलती है। इसके बाद वैसे तो मुझे नाहरगढ़ फोर्ट जाना था, लेकिन मैंने पिंक सिटी जाने का प्लान बनाया और यहाँ के मार्केट्स की कुछ फेमस शॉप्स पर पेट पूजा की। जयपुर पार्क के सामने आपको एक ढाबा मिलेगा, जय शंकर ढाबा, और यहाँ पर मैंने मंगाया, ये आप देख सकते हैं, रोटी है, सब्जी है। अब ये जो सब्जी है ये केवल है आपकी 15 रुपये की भर के है, और काफ़ी मटेरियल है इसमें, आपको आलू है, गोभी है, घिया है, और बहुत टेस्टी है, मैं तो खा रहा हूँ, कब से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और रोटी जो है वो 5 रुपये की है।
मतलब 20 रुपए का ये केवल खाना है। अब 2-3-4 रोटी आप मंगा लेंगे, आपका पेट भर जाएगा। और आराम से ये ड्रम है जिस पे आप बैठ के आप खाएंगे तो सच में एंजॉय करेंगे। महंगी प्लेसेस पे तो आप जाते ही हैं खाने के लिए, पर आप ऐसी यूनिक प्लेसेस पे जाएंगे तो आपको मज़ा आएगा और आपको लगेगा कि आप जहाँ खा रहे हैं वो आपके लिए वर्थफुल है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे ख़राब मिलेगा या क्वालिटी ख़राब होगी, आप चूल्हे पे बनी हुई रोटी खाएंगे और ताज़ी ताज़ी सब चीज़ें मिलेंगी। ज़रूर आए आप यहाँ पर, मस्ट विजिट प्लेस है और आपको खाकर अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी खाना भी मिलेगा। जयपुर की यात्रा यूं ही जारी रहेगी अगले एपिसोड में, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।